आदरणीय स्वर्गीय, अब क्या कहेंगे उन्हें, हमारी भाषा भी असल में अभी एक डेवलप करनी है हम लोगों को। गंगाराम जी निर्वाण को मैं शत शत नमन करता हूँ, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। असल में वजह क्या है, अभी हमें बहुत सारे शब्दों के लिए जो समतुल्य शब्द होते हैं, इक्विवेलेंट वर्ड्स होते हैं, वो अभी हमारे पास नहीं है। जैसे अभी भाई चंद्रसेन बोल रहे थे कि मेरा सौभाग्य, फिर उन्होंने फिर बदला तुरंत कि नहीं मेरी उपलब्धि रही कि मैंने इनके साथ काम किया है। तो मगर वो जो बात सौभाग्य कहने में आती है, वो उपलब्धि कहने में नहीं आ पाती है। तो हमें, क्योंकि मैं भाषा का और साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि हमें उन शब्दों से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनका सामर्थ्य है वो उसी में आएगा, आप उसमें नए अर्थ भर दीजिए। इसलिए कह रहा हूं, एक समय था जब आप लोग बुरा ना मानिएगा, हिंदू शब्द के को जो है वो कोई सम्मान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता था। फारसी की डिक्शनरी अभी भी आप उठाकर देख लेंगे तो उसमें हिंदू शब्द के लिए दो शब्द लिखे गए हैं अर्थ में, काला और चोर। मगर हिंदू को ही उन्होंने उसमें उससे शर्माने की बजाय उन्होंने उसके अंदर ही एक नए अर्थ भरे और अपनी योग्यता से भरे, और उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और आप देखें आज उनके अंदर वो भावना पैदा हो गई। तो जब हम उन चीजों से भागते नहीं हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, एक नया अर्थ देते हैं, वो शब्द भी हमारा हो जाता है, वो अर्थ भी हमारा हो जाता है, उसमें एक नई आत्मा आ जाती है, एक नई ऊष्मा आ जाती है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम सभी जानते हैं। हमने शिक्षा भी ली, हमने संगठन भी बनाए और हम संघर्ष भी करते हैं। मुश्किल ये है, उसका एक एक विडंबना या विरोधाभास, कि अभी जो डेवलपमेंट पिछले 20 सालों में दिखाई दे रहा है, वो संघर्ष जिन लोगों से होना चाहिए था उनकी बजाय पारस्परिक हो गया है, आपस में हो गया है। हम एक दूसरे से, क्योंकि जैसा अभी रवि, डॉक्टर रवि जी ने कहा था, रवि महेंद्र जी ने, कि हमारी संख्या जो है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ज्यादा है, समझ में आती है वो, मगर मैथमेटिक्स के हिसाब से है, अभी वो केमिस्ट्री में नहीं बने हैं। इसी बात को हम लोग ऐसा कहते हैं दूसरे ढंग से, कि अभी तक जो दलित बहुजन है वो एक पॉलिटिकल यूनिट है, वो रिजर्वेशन की वजह से आपस में जुड़ गए हैं, सिर्फ वो एक पॉलिटिकल यूनिट है, वो कल्चरल यूनिट नहीं बनी है। जब तक वो कल्चरल यूनिट नहीं बन जाएंगी, तब तक वो एक फोर्स नहीं बन सकती। और इसको इसको इसलिए बहुत जरूरी है उसको कल्चरल यूनिट बनाना, कि हमारे बीच में वो एक सूत्र नहीं है, वो एक धागा नहीं है जो इन बिखरे हुए मोतियों को, जो जो अनमोल मोती हैं, जो बिखरे हुए हैं, उनको अगर पिरो दे तो सब एक हो जाए। और फिर कोई ये नहीं कहेगा हम दलितों में ये हैं, हम दलितों में वो हैं, और फिर ये भी कि हम श्रेष्ठ हैं, वो हमसे कम श्रेष्ठ हैं। ये भावना तब तक रहेगी जब तक हम पॉलिटिकल यूनिट रहेंगे, कल्चरल यूनिट नहीं बनेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों। वैसे तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहनी, क्योंकि ये तो इसके लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ कि किसी भी, जैसा कि यहाँ बात आ गई है तो उसको बढ़ाते हुए कह देता हूँ, कोई भी कौम हो, वो कौमें आगे तब बढ़ी हैं, वो कौमें आगे तब बढ़ती हैं जब उनके अंदर समर्पण होता है, जब उनमें संतुलन होता है, जब उनमें सौहार्द होता है। ये तीन चीजें मैं कह रहा हूं, समर्पण, संतुलन और सौहार्द। समर्पण किस चीज के लिए, आपको ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उन, आप देखिए उन जातियों के प्रति जो भारत के लोग ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, वो लोग जो बहुत कमिटेड रहे, वो लोग जिन्होंने जिनमें त्याग करने की भावना रही, आत्म बलिदान की भावना रही, वो लोग, वो कौमें बहुत आगे बढ़ी और उन्होंने न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुई बल्कि
बौद्धिक रूप से भी बहुत बहुत नाम कमाए उन लोगों ने। तो एक तो है समर्पण, दूसरी चीज है संतुलन। अगर हम ये जान जाएं कि हमें अपने आचार में, अपने विचार में, अपने खान और पान में, मैं अलग अलग करके बोल रहा हूं जानबूझकर, और मैं बहुत इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, आप पान कहते हुए, खान के साथ पान कहते हुए आप समझ रहे होंगे मैं कहां कह रहा हूं। हमें ये उस संतुलन को, मैं ये नहीं कह रहा आप ना करें, आप ना करें तो बहुत अच्छा, करते हैं तो ठीक है करें, मगर उसका संतुलन आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि उसकी वजह से जो प्रभाव पड़ता है पहले व्यक्तिगत होता है और फिर समुदायगत होता है, समुदाय के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, इससे इसका हमें संतुलन का बहुत ध्यान रखना है। तीसरी चीज है सौहार्द। सौहार्द अगर हम इस ढंग से समझें इस बात को कि अगर पहला सौहार्द अगर हम अपने ऐसे रखें, वो हमारा सौहार्द जब हमारे मन में रहता है तो हमारे मन में शांति रहती है, और शांति जब आपके मन में रहती है तो आपकी बुद्धि काम करती है, और जब आपकी बुद्धि काम करती है तो आपका विवेक काम करता है, हमारा मेरा आपका आपका क्यों करूं हम मेरा, जब मेरा विवेक काम करेगा तो मैं विचार भी अच्छे देख सकता हूं, उन विचारों पर का अनुपालन भी कर सकता हूं, मगर उसके लिए जरूरी है कि शांति हो, वो सौहार्द हार्मनी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो सेल्फ के लेवल पर स्टार्ट हो, पहले आत्म परिष्कार हो, पहले अपनी शुद्धि हो, आत्म शुद्धि हो, दूसरा पहले आत्म के बाद सीधा जो जुड़ता है वो परिवार। परिवार अगर आपका मजबूत है, परिवार में मजबूती है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये पूरा का पूरा जो राष्ट्र है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, इकाई, वो परिवार है, और पूरा राष्ट्र उसी पे टिका हुआ होता है। जो परिवार, जिन देशों के परिवार व्यवस्था हिल गई है वो राष्ट्र हिलना शुरू हो गए हैं। अगर भारत अब भी बचा हुआ है तो मैं आपको सच में, ये संयोग ये रहा कि मुझे कुछ देशों में रहने का मौका मिला, मैंने वहां की पारिवारिक व्यवस्था भी देखी और वहां की ईमानदारी भी देखी, तो जब मैंने पारिवारिक व्यवस्था देखी तो मुझे लगा कि ये बहुत बहुत जल्दी ये इनको परेशानियां होने वाली है, मगर भारत में अभी वो भयावह स्थिति नहीं आई है, स्थिति तो शुरू हो गई। अगर अगर हम अभी चेत जाएंगे, अभी जाग जाएंगे, तो शायद हम अपने परिवारों को बचा लेंगे, और परिवारों को बचाने का मतलब है कि आपको अपने प्रत्येक सदस्य के लिए सौहार्द रखना होगा। वो हालांकि ये दोहा यहाँ पर मुझे तुलसीदास जी का बोलना पड़ रहा है क्योंकि और कोई दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर मैं उनको अन्य मतलब कवि के रूप में मैं उनको बहुत मानता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, जैसे अशोक निर्वाण जी हैं ये मुखिया हैं इस तरह से, या विजेंद्र सिंह जी हैं मुखिया हैं, तो वो खुद कुछ नहीं सबको आगे आगे करते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, जो भी खाना आएगा वो सब मुंह में जाता है, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो तुलसीदास जी कहते हैं मुंह में सारा खाना जाता है मुखिया के, मगर मुखिया खुद कुछ नहीं रखता, सारे अंगों को वो पहुंचा देता है विवेक के साथ। तो ये जब सौहार्द बना रहेगा तो परिवार चलता रहेगा, उसके आगे आप उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उस सौहार्द को ले जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इन तीन चीजों को, इन 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 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, या मैं अपने जीवन में उतारूंगा, तो मैं पाऊंगा, सबसे पहले मैं पाऊंगा कि मैं शांत हुआ, फिर मैं पाऊंगा कि मेरे जो आसपास के जितने पारस्परिक संबंध हैं उनमें एक शांति और एक सौहार्द पैदा हो गया है। मित्रों, बहुत ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, प्रोफेसर्स को आदत होती है 40-50 मिनट बोलते चले जाते हैं, मैं जानता हूं कि मुझे इतना नहीं बोलना है, और ये आंसू पता नहीं क्यों आंख से गिरे जा रहा है, लग रहा है बाबा साहब को याद कर रहा है, और बहुत धन्यवाद आप सब। सर जो आंसू नहीं है प्रसाद है, और प्रसाद हमेशा खिलखिलाते रहे,
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।